हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगवेंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर की कुछ और फीचर्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से डेटा 01 के फॉर्म में लेती है और ट्रांसमिशन एरर्स को चेक करती है और उन्हें फ्रेम्स में पैक कर देती है। डेटा लिंक लेयर हमारे नेटवर्क में बहुत से इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए इसे दो पार्ट्स या सब लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और दूसरी है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। चलिए इन सब लेयर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर यानी कि एलएलसी, ये लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेटवर्क लेयर जो कि थर्ड लेयर होती है और अपर लेयर होती है, उसको ये सर्विसेज देती है और डेटा लिंक लेयर के डिटेल्स को नेटवर्क लेयर से हाइड करती है। इससे जो मेन बेनिफिट होता है वो ये है कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में या डेटा लिंक लेयर पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे कि एथरनेट, टोकन रिंग एटसेट्रा ये वर्क कर सकती हैं और नेटवर्क लेयर के साथ अच्छे से काम कर सकती हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकल डिवाइसेस के बीच में लॉजिकल लिंक्स एस्टेब्लिश और कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें आज की लगभग सभी लैन टेक्नोलॉजीज इस एलएलसी प्रोटोकॉल को यूज करती हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक सब लेयर, ये डिफाइन करती है कि डिवाइसेस नेटवर्क मीडियम पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क में या तो डिवाइसेस एक ही केबल से कनेक्टेड होती हैं या बहुत सारी केबल्स किसी सिंगल वर्चुअल मीडियम या डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि हमारा हब हुआ या टोकन रिंग एनवायरमेंट्स में हमारा मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होता था, तो एक सेंट्रलाइज डिवाइस से जाके हमारी बहुत सारी केबल जुड़ जाती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कौन कब और कैसे डेटा ट्रांसफर करेगा, ये डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी ताकि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स हों। कौन कब कैसे कम्युनिकेट करेगा और कॉन्फ्लिक्ट के केस में क्या होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक सब लेयर की है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एथरनेट जैसे कि सीएसएमएस सीडी को यूज करता है और टोकन रिंग टोकन पासिंग मैकेनिज्म को यूज करता है। तो इस तरीके से डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में, जिसको कि एलएलसी और मैक सब लेयर्स कहा जाता है, उसमें डिवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स के बारे में, जो कि थी लॉजिकल लिंक कंट्रोल या एलएलसी सब लेयर और दूसरी मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक सब लेयर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।